हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वी वर डूइंग सर्कल्स एंड सर्कल्स में हम लास्ट एक्सरसाइज तक पहुंच गए हैं, विच इज़ एक्सरसाइज 10.5। एंड इन माय लास्ट वीडियो आई हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 4th। ठीक है, तो हम 5th क्वेश्चन आज स्टार्ट करने वाले हैं। एंड माय क्वेश्चन इज ए बी सी एंड डी आर द 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हैं सर्कल पर, दिख रहे हैं। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई। ए सी और बी डी ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट एंगल बी ई सी इज 130 डिग्री। ये मेरा 130 डिग्री का है। एंगल ई सी डी इज 20 डिग्री, ये वाला मेरा 20 डिग्री का है। फाइंड एंगल बी ए सी, दैट मीन्स मुझको ये वाला एंगल निकालना है। बट इस क्वेश्चन में नोट करने वाली ये चीज़ है कि यहाँ पर हमें कुछ नहीं बोल रखा कि कोई सेंटर है सर्कल का, या फिर बी सी इज पासिंग थ्रू द सेंटर हो, या फिर बी सी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, कुछ नहीं दे रखा। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको ये चीज़ नोट करवाई थी कि जब तक ये गिवन नहीं होगा कि बी सी इज़ द डायमीटर और बी सी इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर हो, आई कैनॉट यूज़ द प्रॉपर्टी एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। अदरवाइज अगर ऐसा होता कि बी सी सेंटर ओ से पास हो रहा होता, तो फिर तो ये एंगल सीधा ही 90 डिग्री का हो जाता। ठीक है, कुछ करना ही ना होता मुझको, बट ये सब गिवन नहीं है, तो मेरे को अब एंगल बी ए सी निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो एंगल 1 मान लो इसको। ठीक है, मेरे को साफ दिखाई दे रहा है कि 130 डिग्री और एंगल 1 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो वो मेरा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर है ना, ये मेरा लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं ये दोनों एंगल्स। देख लो ध्यान से, ये यहाँ से यहाँ तक ये सारी स्ट्रेट लाइन है। 130 प्लस 1 हमारा 180 डिग्री का होगा, तो मैं एंगल 1 निकाल सकती हूँ बड़ी ईजिली कि 180 माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं ट्रायंगल डी ई सी देखूं, इन ट्रायंगल डी ई सी बाय अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो एंगल 1 प्लस 20 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल 1 प्लस 20 प्लस एंगल 2 विल बी 180 डिग्री। तो एंगल हमारा 1 ऑलरेडी आ चुका है विच इज 50 डिग्री, प्लस एंगल 2 प्लस 20 इज इक्वल टू 180। तो मेरा एंगल 2 आ गया, 50 प्लस 20 इज 70, एंड 180 में से 70 माइनस करेंगे तो 110 डिग्री आ जाएगा। तो मेरा ये एंगल 2 आ गया, दैट मीन्स ये, बट मेरे को तो ये नहीं निकालना। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को तो एंगल ए निकालना है। और मैंने आपको ये वाली चीज़ बताई थी कि अगर सेम आर्क से, अगर सेम आर्क से सर्कल पे दो एंगल्स बन रहे हैं लाइक दिस, तो दे आर इक्वल। क्यों इक्वल होते हैं? एंगल्स इन द सेम, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो एंगल ए और एंगल 2 जो है वो दोनों एंगल्स इन द सेम सेगमेंट हैं, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय द सेम आर्क। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट आर्क? बी सी, है ना। तो मैं क्या लिखूंगी, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सो एंगल ए, यानी अगर मैं पूरा नाम लिखूं, एंगल बी ए सी विल ऑल्सो बी इक्वल टू 110 डिग्री। सो दैट वुड बी माई आंसर। ओके, सो नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। इन विच फिगर इज नॉट गिवन, हमको खुद से फिगर बनानी है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ध्यान से, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगनल्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई। बच्चों, सेम क्वेश्चन कभी नहीं आता है, बहुत ही रेयर केस होता है सेम क्वेश्चन एज इट इज़ तुम्हारे स्कूल वाले दे दें तुम्हें, थोड़ा सा चेंजेस होके आएंगे क्वेश्चन में। सो रटना नहीं है क्वेश्चन को, डोंट क्रैम इट, हमको फंडा समझना है बेस, मतलब क्या उस क्वेश्चन के पीछे फंडा क्या है, प्रिंसिपल क्या है, क्या यूज़ कर रहे हैं हम, उसको समझो, सो दैट यू कैन अटेम्प्ट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक मतलब जिसके चारों के चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई करते हैं। तो ये आ गया मेरा ए बी सी डी। ध्यान देना, ए बी सी डी जब तुम मार्क करते हो ना, तो ये नहीं कि ए बी सी हाँ मार्क कर दिया, नो, एक सीरीज में मार्क करते हैं। इधर यूर, इफ यू आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज तो ए बी सी डी, क्लॉकवाइज जा रहे हो तो ए बी सी डी, मतलब क्रॉस में नहीं जाना तुमको। ठीक है, तो ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पर। ये हो गया।
ओके नाउ एंगल डीबीसी इज इक्वल टू 70 डिग्री यानी ये मेरा 70 डिग्री है. आगे एंगल बीएससी इज इक्वल टू 30 डिग्री यानी ये मेरा 30 डिग्री है. फाइंड एंगल बीसीडी यानी मेरे को ये पूरा एंगल निकालना है. और इससे आगे फर्दर जो क्वेश्चन है आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट नाउ. फर्स्टली आई विल बी फाइंडिंग दिस एंगल बी सी डी. उसके बाद मैं ये क्वेश्चन पढ़ूंगी आगे का. ठीक है तो ये निकालना तो बहुत ही ईजी है अब आप लोगों के लिए. कैसे देखो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा. क्यों एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. नहीं समझ आ रहा तो फिर से देखो ये सर्कल है ये मेरा बी सी है. दिस इज बी सी राइट. इस बी सी आर्क से मेरा एक तो ये वाला एंगल बन रहा है विच इज 30 डिग्री जो कि ये है. ठीक है और इसी बी सी आर्क से एक मेरा ये वाला एंगल बन रहा है ना. और मेरे को ये वाला निकालना है ना. तो ये दोनों एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है. क्यों क्योंकि सेम आर्क से सर्कल पे अगर दो एंगल्स या तीन एंगल्स या चार एंगल्स बनते हैं तो वो दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. तो हम क्या लिखेंगे ये मैंने एंगल वन मान लिया. एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल वन. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट सो एंगल वन विल ऑल्सो बी इक्वल टू 30 डिग्री. ना इन ट्राइंगल बी सी डी ये बी सी डी ट्राइंगल में इफ आई अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री तो एंगल बी यानी डी बी सी प्लस एंगल वन प्लस एंगल बी सी डी डी बी सी प्लस एंगल वन प्लस एंगल डी सी बी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. इसकी जगह क्या लिखूंगी 70 डिग्री गिवन है. इसकी जगह क्या लिखूंगी 30 डिग्री जो कि मैंने फाइंड आउट करा है एंड ये मेरे को फाइंड आउट करना है राइट. तो इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये 100 हो गया 100 उधर जाके 180 से माइनस हो गया दैट मींस 80 डिग्री. तो मेरा एंगल बीसीडी आ गया 80 डिग्री. ठीक है अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन जो कि हमने अभी तक रीड ही नहीं किया. फर्दर If AB is equal to BC, अगर AB BC के equal हो जाए तो find angle ECD, यानी ECD, यानी मुझे इतना angle निकालना है. लेकिन कब? अगर AB BC के equal हो जाए तो. ठीक है? अब देखो, अगर किसी triangle में दो sides equal होती हैं, तो उनके सामने वाले angles भी equal होते हैं. ठीक है? ये property हमने triangles में करी थी. Angles opposite to equal sides are equal. Okay? मैंने ही पढ़ाया था आपको. तो चलो अब अगर मैं triangle consider करूं ए बी सी ये जो है यहां पर इसमें वो बोल रहे हैं ए बी बी सी के इक्वल है. अगर ए बी बी सी के इक्वल है तो जो ये एंगल है वही ये वाला एंगल होगा यानी दिस इज 30 देन दिस विल ऑल्सो बी 30 बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल करेक्ट. तो मैं क्या लिखूंगी इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू बी सी गिवन. अब गिवन है फर्स्ट पार्ट के लिए गिवन नहीं था फर्दर इसीलिए बोला उन्होंने. ठीक है तो ए बी सी टू बी सी गिवन देयर फोर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू चलो यहां पर ये लिखो और यहां लिखो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल sides are equal so angle ACB will also be equal to 30 degree. ठीक है उसके बाद अगर यहां से यहां तक मेरा 30 degree आ गया है और पूरा का पूरा angle मैं already find out कर चुकी हूँ which is 80 degree तो अगर पूरे 80 degree में से मैं 30 degree का minus कर दूंगी तो मेरा ये 50 degree आएगा या नहीं आएगा. आएगा ना. तो क्या लिखूंगी कि एंगल बी सी डी जो है वो 80 डिग्री है वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट. ठीक है कोई रीजन लिखने की जरूरत नहीं है. तो और एंगल ई सी बी जो है वो है मेरा 30 डिग्री तो एंगल ई सी डी क्या होगा एंगल बी सी डी माइनस एंगल ई सी बी विच इज 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री यानी 50 डिग्री आंसर. ओके गाइस समझ आ गया. ठीक है लेकिन ये ध्यान रखना कि ये वाला पार्ट जो है ए बी इज इक्वल टू बी सी ये हमारा बाद में यूज होना है पहले वाले पार्ट के लिए यूज नहीं होना है.
ठीक है. सो दीज वर क्वेश्चन नंबर्स 5th and 6th एंड आगे के क्वेश्चन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाली हूँ. ठीक है, सो डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच. बाय बाय.